स्टॉक मार्केट में भाई कुछ भी हो सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे, हालत सबकी खराब हो गई है, बट आपकी हालत क्यों खराब हो गई यार? आपको तो एक गोयला आ गया वीडियो को टॉपिक लेके, सब आसान भाषा में आज क्लियर होगा। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor stock market. Raj, Jubilant Foods का पूरा का पूरा आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहला about the company, company का exactly पूरा framework कैसा है। Then why is the company following? CEO की change के बारे में बात करेंगे, valuations के बारे में बात करेंगे, financials के बारे में बात करेंगे और फिर बताऊंगा मैं पूरा इस पे clear conclusion। ठीक है? तो शुरू कर रहा हूँ, but शुरू करने के पहले आप फिजडम चैनल पर बैठे तो एक बार सब्सक्राइब बटन तो देखो बनता ही है, बिकॉज आपको पता है वैल्यू इधर ही मिलेगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स हिंदुस्तान की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी, और ये खुद में ही ना कोई मजाक नहीं है जिस स्केल में ये ऑपरेट करते हैं। इनके पास एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज है ऑफ डोमिनोज। डोमिनोज QSR में ऑलरेडी नंबर वन है एंड डोमिनोज की सारी चेन्स इन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सब जुबिलेंट के अंदर आती है। बट जुबिलेंट के अंदर सिर्फ ये ब्रांड नहीं है, इनके पास और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे कि डंकिन डोनट्स इंडिया में इनके पर राइट्स हैं, उसके बाद पॉपॉयज जो पूरी नई फ्राइड चिकन की चेन खोल रही है, जिसके पर्सनली स्पीकिंग मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में, और पॉपॉयज के बारे में भी आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। प्लस इनकी खुद की होम ग्रोन ब्रांड है होंग्स किचन, चाइनीज क्विजिन की ब्रांड है, एक और ब्रांड है इन द नेम ऑफ एकदम, और एक और ब्रांड है फॉर शेफ बॉस, मतलब इसमें ग्रेवी, सॉसेस, पास्ता ये सब आते हैं। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इनको बिकते हुए देखा ही होगा। अब ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर ना पहले भी इसी वजह से गिरा था, और वो वजह है CEO रिजाइंड। यस, आपको मैं पूरी इसकी केस स्टडी समझाता हूँ। सबसे पहले ऑन 19 सितंबर 2016 अजय कौल, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए 10 साल के CEO थे, ही रिजाइन। शेयर प्राइस उसी दिन 8% क्रैश कर गई और क्लोज हुआ एट 6% डाउन। आपको लग रहा होगा 8% 6% ठीक है, नहीं, जुबिलेंट फूडवर्क्स जो इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ना, अगर वो 8% 6% से करेक्ट करिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड अजय कौल वॉज अ फैंटास्टिक CEO। उनके अंडर के मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, अंडर हिम डोमिनोज की 90 से 1100 ब्रांचेज हो गई थी, जुबिलेंट फूडवर्क्स का रेवेन्यू वॉज ग्रोइंग बाई 30% विच इज क्रेजी। एंड जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो बनता ही यार कि इन्वेस्टर्स का डरना तो ऑब्वियस है, द शेयर प्राइस क्रैश्ड। अजय कौल के बाद CEO बने प्रतीक पोटा एंड ही टुक जुबिलेंट फूड्स टू अनदर लेवल। ये है उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स। अंडर हिम फ्रॉम 2018 टू 2020 डोमिनोज की स्टोर सेल्स वेंट अप बाय 9 to 10%। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसका कंपैरिजन लेंगे फ्रॉम 2014 2017 यही स्टोर सेल्स बढ़ी सिर्फ 1% से। तो यू कैन इमेजिन प्रतीक पोटा का कितना मेजर इम्पैक्ट रहा, और साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब दिक्कत यह है, प्रतीक पोटा ने भी रिजाइन कर दिया ऑन 11th March, और इसलिए जुबिलेंट फूड्स दोबारा नीचे आ गया। 14% क्रैश कर गया था ऑन इंटरडे बेसिस एंड 12% फिर लोअर पे बंद हुआ है। अब सी आफ्टर अजय कौल व्हेन ही लेफ्ट द CEO पोजीशन, जुबिलेंट फूड नीचे आया, बट कुछ टाइम बाद वो दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। हो सकता है प्रतीक पोटा के बाद भी यही हो, बट अब देखते हैं प्रतीक पोटा के बाद कौन है नए CEO, और वो है समीर खटरपाल। समीर खटरपाल है, ये शुरू करेंगे हम 5th September 2022, और इनके 5 साल का टेन्योर होगा। इनका भी बैकग्राउंड ना कुछ कम नहीं है। समीर खटरपाल ने 6.5 साल Amazon में काम किया है, जहां पे इन्होंने Amazon Fresh, Amazon Food, Amazon Pharmacy इन सब का बिजनेस बनाया है, स्टार्ट किया है, स्केल किया है। उसके पहले ये McKinsey में पार्टनर थे, उसके पहले ये GE कैपिटल में थे एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में थे। तो देखो यार, एक्सपीरियंस तो तगड़ा है, बट अब ये देखना है कि नए CEO का टारगेट क्या है, गोल क्या है। अब समीर खटरपाल का सिर्फ 3 चीज़ों पे मेन फोकस रहेगा। सबसे पहले कस्टमर फर्स्ट। अब जैसे आप जानते हो डोमिनोज में 79 रुपीज़ का पिज्जा भी आता है, तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो देखो डोमिनोज में अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट अपर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए एंड रिच को अट्रैक्ट करने के लिए एक गौरमे पिज्जास का भी पूरा मेन्यू रिलीज हो चुका है इन द टॉप टायर सिटीज, और हल्के हल्के सीजनल डिमांड ये और बढ़ाते रहेंगे। सेकेंड फैक्ट आता है टेक्नोलॉजी। आपको पता है जो डोमिनोज की ऐप है ना, इट इज़ द 3rd most used food app इन इंडिया। यस, 3rd most used food app इन इंडिया। मतलब देख दो डोमिनोज की ऐप में कितना ट्रैफिक रहता होगा, वो उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और भी बेटर करना चाहते हैं, सो दैट कस्टमर एक्सपीरियंस और भी बेटर हो। एंड थर्ड चीज़, ऑपरेटिंग एक्सीलेंस। डोमिनोज ने ये नोटिस किया है
कि जितना फास्ट आप डिलीवरी दोगे ना उतने ज़्यादा रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। पर्सनली स्पीकिंग ना ये मैंने देखा कि मेरे साथ भी हो चुका है। इतनी बार जब मुझे कुछ ऑर्डर करना होता है या बहुत भूख लगी होती है, कुछ अर्जेंटली कुछ चाहिए, हम डोमिनोज से मंगा लेते हैं, बिकॉज पता है टाइम पे आ जाएगा, जल्दी आएगा, क्वालिटी भी मेंटेन होगी। सो पर्सनली आई थिंक इट वर्कड ऑन मी, तो ये आप सब पे भी काम कर रहा होगा। प्रतीक पोटा चाहते हैं कि जो डिलीवरी टाइम है 30 मिनट्स है ना, उसको तोड़ के वो 20 मिनट्स मिले हैं। 20 मिनट्स में पिज्ज़ा आपके घर में विद द सेम क्वालिटी, सेम टेम्परेचर, सेम टेस्ट, इट्स क्रेजी। समीर खटरपाल का चार मेन चीज़ों में फोकस रहेगा। सबसे पहले इंक्रीजिंग द वॉल्यूम्स, वो कैसे होगा, डिलीवरी टाइम को 30 मिनट से 20 मिनट्स कर देंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया अकाउंट डोमिनोज, जितना डिलीवरी टाइम कम होता है उतने ही ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। सेकेंड रीजनलाइजेशन ऑफ मेन्यू, ये डिफरेंट रीजन्स में डोमिनोज के डिफरेंट टेस्ट की पिज्जा निकालेंगे, डिफरेंट रीजनल टेस्ट से आपसे मेन्यू निकालेंगे, जिसकी वजह से इट इज एक्सपेक्टेड कि अगेन वॉल्यूम शुड इंक्रीज। थर्ड चीज़ आती है एड्रेसिंग पोर्टफोलियो गैप्स। सेम लॉजिक वही है कि ये गौरमे पिज्जाज निकाल रहे हैं और निकाल चुके हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे इसे, सो दैट कि ये डिफरेंट क्लास ऑफ लोगों को पकड़ पाएं। एंड फोर्थ चीज़, ये सिर्फ डोमिनोज पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ये पॉपॉयज को भी इक्वली ही पुश करेंगे, बिकॉज बेंगलुरु में उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं रही है, इसके बहुत रीजंस हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन है, कॉस्ट बढ़ गई है, मार्जिन कम हो गए हैं, एंड ये इनके नंबर्स पे भी दिख रहा है। ये देखिए आप, इनका रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी डाउनटर्न में है, विच इज़ अ बैड साइन। ये है डोमिनोज LFL ग्रोथ, अगेन इट्स अ बैड साइन, स्टेडी डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद लुक एट द ग्रॉस मार्जिन, ये है बिट्टा मार्जिन, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर चीज स्टेडिली नीचे ही आ रही है। और थर्ड पॉइंट है जुबिलेंट फूड्स की क्रेजी वैल्यूएशन, बिकॉज ये स्टॉक इतना अच्छा है, QSR में हमेशा नंबर वन रहा है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी है, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स इसको बहुत हाईली रेट करते हैं। आप मानोगे नहीं, जून 2021 में डोमिनोज की PE वॉज 255, इट इज रिडिक्युलसली हाई, और अभी भी PE इज एक्सट्रीमली हाई एट 71, अभी भी हाई है। तो जब PE इतनी हाई होती ना, प्रॉब्लम ही होती कि हल्का सा कुछ ऑफसेट हुआ, शेयर ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है। अब देखते हैं जुबिलेंट फूड्स एग्जैक्टली अच्छा क्या क्या कर रहा है, एंड ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इनका स्प्लिट स्टोर्स का। स्प्लिट स्टोर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि एक एरिया में सिर्फ एक स्टोर नहीं होगा, उसी एरिया में ये 3-4 स्टोर्स खोल देंगे। लॉजिक ये है कि स्टोर्स को स्प्लिट करते रहेंगे, इससे एडवांटेज क्या होगा, डिलीवरी टाइम कम हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर जाती है, और सेल्स भी इंक्रीज कर जाती है। एज यू कैन सी हियर, पहले न्यू स्प्लिट स्टोर्स खुलते हैं, फिर डिलीवरी कॉस्ट कम होती है, डिलीवरी फास्टर हो जाती है, उसके बाद हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन विच लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। दिस सिस्टम हैज बीन वर्किंग फॉर डोमिनोज प्रीटी वेल, और इसको ये और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। सेकेंड चीज जिसको सॉल्व करने पर लगे हैं वो है डाइन इन का इशू। अब डोमिनोज ने डिलीवरीज पे इतना फोकस किया ना कि इनका डाइन इन कस्टमर बेस इतनी रैपिडली नहीं बढ़ रहा है। एज ऑफ नाउ इनका 37.5% रेवेन्यू डाइन इन से आता है। अब इन्होंने इसको बढ़ाने के लिए क्या किया है, फुटफॉल इंकरेज अपने स्टोर्स में बढ़ाने के लिए क्या किया है। सबसे पहला ये स्टोर्स को रिफर्निश करेंगे, स्टोर्स का थोड़ा डिजाइन एलिमेंट बढ़ाएंगे, उसके बाद इन्होंने पूरा मेन्यू निकाला है ऑफ 49 रुपीज। यस, यू कैन बाय दिस एट 49 रुपीज। मतलब देखोगे ये कंपनी इतनी बड़ी है, उसके बावजूद ना ये कंपीट किससे कर रहे हैं, विद द स्ट्रीट वेंडर्स एट देयर प्राइसिंग। हाँ, आप सिर्फ एक आइटम खरीद से आपको दो आइटम खरीदना जरूरी है, तो अज्यूमिंग आपके 100-120 रुपीज लग ही जाएंगे, बट स्टिल 100-120 तो एक्चुअली स्ट्रीट फूड का रेट होता है। उसके बाद ये अपना स्टोर एक्सपेंशन और सिटी कवरेज कॉन्स्टेंटली बढ़ाना ही चाहते हैं, एंड जुबिलेंट फूड्स हैज ऑलवेज डन अ गुड जॉब इन इट। ये देखिए इनका स्टोर काउंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये देखिए इनका सिटी कवरेज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस। अब हम उस ब्रांड के बारे में बात करते हैं जिस पे जुबिलेंट फूड्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो है पॉपॉयज। पॉपॉयज की ब्रांड बेंगलुरु में खुली थी और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, बिकॉज ऑफ विच अब ये पॉपॉयज की ब्रांचेस को भी एक्सपैंड करेंगे, एंड अभी साउथ इंडिया में फोकस करें सबसे ज़्यादा, एंड दे आर एक्सपेक्टेड कि ये टारगेट करेंगे 250-300 नए स्टोर्स खुलेंगे ऑफ पॉपॉयज इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, और हल्की हल्की करके ये पूरी नेशनल प्रेजेंस पॉपुलाइज करना चाहते हैं, समथिंग सिमिलर टू डोमिनोज। और फिफ्थ पॉइंट आता है चीजी लॉयल्टी प्रोग्राम। डोमिनोज में जब भी आप जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक ऐप के थ्रू खरीदोगे तो चीजी लॉयल्टी प्रोग्राम बनता है, जिसमें यू बाय 1-2 तो आपको कोक फ्री मिल जाएगी, एक पिज्जा फ्री मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, और एक्चुअली बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, पेट को देख के लग रहा है थोड़ा यूज़ को करना मुझे कम करना पड़ेगा, बट यू गेट द पॉइंट। अब चीजी लॉयल्टी प्रोग्राम में हो क्या रहा है, और क्लियरली उन्होंने देखा है कि उनकी क्यूमुलेटिव एनरोलिंग जो चीजी लॉयल्टी प्रोग्राम में है वो 10.6 मिलियन ऑर्डर से ज्यादा हो गई है, विच इज क्रेजी। मतलब इन दिसंबर 2022 ना, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 39% टू डोमिनोज, इट इज एब्सोल्यूटली इनसेन।
एज यू कैन सी चीज रिवॉर्ड सिस्टम के इंस्टॉल्स, इसके MAU एंड क्यूमुलेटिव मेंबरशिप, हर चीज कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ गया। फाइनेंशियल्स की बात करें, इनकी 3 ईयर सेल्स ग्रोथ है 7.25%, इनकी 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 10.3%, ROE इज 25.0%, ROCE इज 21.1% एंड डेट इक्विटीज इज 1.12। यस, डेट इक्विटी ज्यादा है बट अदर फैक्टर्स आर जेन्युइनली अमेजिंग। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन के बारे में। करंट PE इनकी है 71.7 टाइम्स की, 3 ईयर मीडियम PE है 69.3 टाइम्स की, इंडस्ट्री PE इज 64.6। तो PE के हिसाब से आप देखेंगे हाँ ये स्टॉक ओवरवैल्यूड है। टेक्निकल देख लेते हैं, ये है पूरा ग्राफ और आप देख सकते हो कि जुबिलेंट फूड्स का ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए देख रहे हैं, इट कैन गेट अ लिटिल रिस्की, तो आई वुड रेकमेंड प्लीज स्टॉप लॉस ट्राइड रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें ना, तो जुबिलेंट फूड्स इज अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड बिकॉज इस स्टॉक में है क्लास। बट अपनी रिसर्च खुद करना, गोयला तो बस आपकी मदद करने के लिए। और कोई आपको कंपनी की एनालिसिस चाहिए बस नीचे कमेंट करो, आपको पता है वीडियो आपकी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.